वो लेना है ना जी। मेरा नीला सा नहीं आ रहा है, हरा नहीं आ रहा है। याऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूर सीनीन। ये वाव भी कसम के माना में है। तो तीन तीन फल का नाम है, इंजीर की कसम। कसम तो तर्जमा आप खुद कर लेंगे कि वाव कसम के लिए है, इंजीर की कसम। और मुराद यहाँ पर दरख्त है, यानी दरख्त इंजीर। वाव, ये वाव भी कसम के लिए है। और जैतून के माने हैं जैतून का दरख्त। जैतून के तेल को कहते हैं जैत, यानी बगैर वाव नून के। और वाव नून के साथ कहते हैं जैतून का दरख्त। तो जैतून के दरख्त की कसम, इस दरख्त लिख देते हैं इशारे के लिए। असल तो हमें सिर्फ इससे इशारा करना होता है। तीन, इंजीर की कसम और जैतून दरख्त की कसम। वतूर सीनीन, वाव यहाँ पर भी कसम के लिए है। और तूर के माने हैं पहाड़, यानी पहाड़ का नाम तूर है, तो तूरे पहाड़ हम कहेंगे। आम पहाड़ नहीं है, बल्कि पहाड़ का नाम तूर है। इस वजह से दोनों तर्जमा करने पड़ेंगे, तूर पहाड़ की कसम, तूर पहाड़ की कसम। सीनीन, ये सीनीन वहां पर एक जगह है, उस जगह को कहते हैं सीना और सीनीन, दोनों कहते हैं। ये सीना ये भी कहते हैं और सीनीन भी कहते हैं। और ये वहां का एक जंगल है। जंगल का मतलब यही, यानी बगैर आबादी का जो इलाका है उसका नाम है सीना और सीनीन। और तूर ये पहाड़ का नाम है। तो मतलब यह है कि सीना जगह नामी में जो तूर पहाड़ है उसकी कसम। सीनीन आप तर्जमा करेंगे, सीना जगह के तूर पहाड़ की कसम। सीना जगह पहाड़ तूर पहाड़ की कसम। तर्जमा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आप मतलब अगर समझ ले तो कोई बात नहीं। तर्जमा अगर ये भी कर ले, तूरे सीना की कसम, तर्जमा अगर ये कर लिया जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन असल मतलब समझ लेना कि तूर का मतलब तो है कि वहां एक पहाड़ का नाम है और सीना उस इलाके का नाम है। तो मतलब यह है कि उस इलाके में जो पहाड़ है उसकी कसम। अब ये कसमें इसकी क्यों खाई जा रही है, वो इंशाल्लाह तफसीर के टॉपिक में आ जाएगी बात। तो सीना के पहाड़, सीना के तूर पहाड़ की कसम। वहाजा, ये वाव भी कसम के लिए है। हाजा के माने सब जानते हैं, ये यानी ये इसमें इशारा है जिसके जरिए से इशारा किया जाता है। और ये करीब के लिए है, क्योंकि दूर के लिए तो जालिका है। और ये मुजक्कर है, यानी मेल है, क्योंकि मोनस के लिए तो फीमेल है। हाजल बलदिल अमीन, तो मैं कह रहा था हाजा कुरान करीम ने इस्तेमाल किया, तो ये तो मेल के लिए है, क्योंकि फीमेल के लिए हाजी ही आता है। और करीब के लिए है, क्योंकि दूर के लिए
जाली का इस्तेमाल होता है। तो वहाँ अजल बलद, बलद के माने शहर, और अगर आखिर में ता आए बलदतुन अलबलदतु तो उसके माने भी शहर के हैं, और अल अमीन के माने अमन वाला, तो अमन वा इस अमन वाले शहर की कसम, इस अमन वाले शहर की कसम। अब अल्लाह ताला ने चार कसमें खाई, चार कसमें खाने के बाद फिर अल्लाह ताला ने जवाब कसम है, यानी कसम का जवाब है, और कसम खाने के बाद असल अल्लाह ताला क्या फरमाना चाहते हैं उसको देखना है। लाम, ये लाम भी ताकीद के लिए है, यानी मजबूती पैदा करने के लिए है, और ये कद भी मजबूती पैदा करने के लिए है, लिहाजा बस हम एक ही तर्जमा कर लेते हैं, यकीनन। यकीनन तो ये लाम भी ताकीद के लिए तो हमारे पास सामने पहले भी आया था, कहाँ पर आया था? नदी बिल्कुल करीब ही माया था। बतलाए कोई मस्तूरात चेट के जरिए से बतलाए, और मस्तूरात वलल आखिरतु खैरुल मकान, वलल आखिरतु पूरे गुहा में। मस्तूरात को बतलाने दीजिए चैट के जरिए से, ताकि मालूम हो जाए कि इनको भी कुछ पता है नहीं। चलिए खैर, हाँ, वद्दुहा की सूरत में आया था, वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु, तो वलल आखिरतु में जो लाम आया था हमने कहा था ये ताकीद यानी मजबूती पैदा करने के लिए है। इसी तरह लाम भी और कद भी यहाँ दोनों मजबूती पैदा करने के लिए है। ये दरअसल अरब का एक दस्तूर और कायदा है कि जब कसम खाते हैं तो कसम खाने के बाद मजबूती वाला लफ्ज लाते हैं, ये सब जगह होता है। लकद खलकना, खलकना तो आप अब अच्छी तरह समझ गए होंगे कि खलकना पास्ट माजी है और आखिर में ना आया है, लिहाजा फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, यानी जमा मुतकल्लिम है, जो अभी बिल्कुल अलम नशरा ही माया। वदाना, वदाना खलकना, खलकना तहकीक के यकीनन, कुछ भी तर्जमा कर लीजिए, यकीनन हमने इंसान को, यहाँ पर अल इंसान में अलिफ लाम वही वाला अलिफ लाम है जो अलहमदू में आया था, यानी तमाम इंसान को, तमाम इंसान तर्जमा कर लें, या बस अगर ये भी रखें इंसान को, आज जल्दी समझ में आ जाती है बात। तो तहकीक के हमने इंसान को यह हर इंसान को पैदा किया, फी अहसनी तकवीम। अब यहाँ पर समझना है तकवीम के माने है सांचा ढांचा, पता लोग नहीं समझते भी हैं सब लोग सांचे को, समझते हैं? सांचा का मतलब वही होता है, यानी जाहिरी सड़वल, जाहिरी हाथ शेप, हाँ जाहिरी शेप, हाथ पांव आंख नाक की जो शेप है और जो हालत है और जो सांचा है, वो अल्लाह ताला ने बहुत बेहतरीन पैदा किया है। जाहिर सी बात है जानवरों को आप देखेंगे, सबसे पहली बात तो यही कि वो उनका सर झुका रहता है, इंसानी को अल्लाह ताला ने ये शराफत दी कि सर उठाकर चलता है, और ऐसे ऐसे जानवर होते हैं कि देख कर भी उनको घिन आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान को दूसरे जानवरों के मुकाबले में कैसे पैदा किया। अल्लाह ताला हमको भी जानवरों जैसा पैदा कर सकते थे, उसको कुदरत हासिल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने हमको, हम पर एहसान फरमाया, तो यकीनन हमने इंसान को पैदा किया अहसनी तकवीम। अहसन के माने आते हैं अच्छा, बेहतरीन कर लीजिए यहाँ। लेकिन मैंने एक बात पहले बतलाई थी कि ये जो लफ्ज होता है आहसन, आहसन के वजन पर, यानी आहसन जैसा जो वर्ड होता है वो इसमें तफजील कहलाता है। इसमें तफजील का मतलब ये होता है अरबी में कि दूसरे के मुकाबले पर जो लफ्ज इस्तेमाल होता है, तो लफ्ज आहसन इस्तेमाल किया, वरना बेहतरीन माना के लिए लफ्ज हसन भी आ सकता है। अगर आप कहें हसन तो इसके माने भी बेहतरीन है, लेकिन अल्लाह ताला ने यहाँ पर आहसन का लफ्ज इस्तेमाल किया है कि
तो इसका मतलब है दूसरों के मुकाबले में, तो बेहतरीन सांचे में, फी के माने में। तो यकीनन खलकना, हमने पैदा किया अल इंसान, इंसान को, फी अहसनी तकवीन, बेहतरीन, बेहतरीन अहसन का तर्जमा, बेहतरीन सांचे में, बेहतरीन शेप में कह लीजिए आप। और ये तकवीम बाब तफ़ील का मसदर है, ये मदरसे वालों के लिए है। लेकिन यहाँ पर मसदर के माना मुराद नहीं, बल्कि माने मसदरी मुराद है। सुम्मा, फिर रददना, ये भी वही है जो अभी खलकना में, फिर हम उसको लौटा देंगे। और मतलब यह है कि पहले जो उसकी खूबसूरत पैदा किया, पैदा करने के बाद वो दोबारा दूसरी हालत में चला जाएगा, फिर हम उसको लौटा देंगे। असफला साफिलीन, ये असफल भी वही है जो आसन है। देखिए हमने कहा था इस लफ्ज पर, इस जैसा जो लफ्ज होगा वो इसमें तफजील कहलाता है, और मतलब उसका ये होता है वो किसी के मुकाबले पर आकर बतलाता है। साफिल, ये असल वही है जो बार बार आता रहता है हमारे यहाँ, जिसको डोर डोर कहते हैं, यानी इसमें फाइल जो सबसे पहले सूरह फातिहा में आता, मालिक मिल्कियत रखने वाला, साफिल नीचे होने वाला, और उसी का प्लूरल, उसी की जमा है साफिलून, वाव नून के साथ या फिर या नून के साथ साफिलीन। तो साफिलीन डोर इसमें, डोर इसमें फाइल की जमा है, यानी प्लूरल है। अब तर्जमा हम करते हैं, फिर हमने उसको लौटा दिया। ये हु, ये प्रनाउन है जिससे इशारा हो रहा है इंसान की तरफ। फिर हमने लौटा दिया उसको, यानी इंसान को, नीचे रहने वालों में से सबसे नीचे। लेकिन अब रददना का तर्जमा जो हम लौटाना कर रहे थे, उस वजह से तर्जमे में मज़ा नहीं आ रहा, इस वजह से हम इसका तर्जमा करेंगे बना दिया। अब तर्जमा देखो सही हो जाएगा। असल तो रददना के माने लौटाना होता है। रुत्तु इला इलल मस्जिद, में मस्जिद की तरफ लौट गया। रददना इलल मदरसा, हम मदरसे की तरफ लौट गए। तो रद्दा का लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको पिछली हालत पर वापस कर देना। फिर हमने बना दिया हो इंसान को, नीचे रहने वालों में से सबसे नीचे वाला। अब तर्जमा सही हो गया, नीचे रहने वालों में से, ये साफिलीन का तर्जमा, नीचे रहने वालों में से, ये में से जो तर्जमा हो रहा है वो इस वजह से हो रहा है कि असफल को साफिलीन से जोड़ दिया गया। इस जोड़ने की वजह से ये में से हम उर्दू जबान में तर्जमा करेंगे ताकि दोनों जुड़ जाएं। और अगर में से तर्जमा नहीं करेंगे तो वो अलग रहेगा असफल, और साफिलीन अलग रहेगा। तो इन दोनों को कनेक्शन करने के लिए यह तर्जमा करना पड़ता है। फिर हमने बना दिया हो इंसान को, नीचे रहने वालों में से सबसे नीचे वाला। वाला इसमें भी आता है, इसमें जो इसमें तफजील होता है, यानी जो अफाल के तरीके पर आता है। फिर हमने बना दिया उसको, ये मुश्किल तर्जमा है इसलिए मैं बार बार लौटा रहा हूँ। फिर हमने बना दिया उसको, यानी इंसान को, असफला, अब उल्टा तर्जमा करेंगे, नीचे रहने वालों में से असफला, सबसे नीचे वाला। अब मतलब क्या है वो उसकी आप फिक्र ना किया कीजिए, बस तर्जमा इस वक्त याद करना है, तफसीर मतलब इंशाल्लाह बाद में आए। इल्ला लजीना, ये इल्ला वही है जो हमारे सामने आता रहता है, हाँ, सिवा, मगर, इसका कुछ भी तर्जमा करेंगे। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सेट कौन सा बैठता है। इल्ला, मगर, अल्लजीना, ये अल्लजीना वही मौसूल है, यानी जो पीछे से जोड़ने के लिए आता है। और अल्लजीना के आखिर में नून है, लिहाजा आप समझ जाइए प्लूरल है, और जा है, लिहाजा समझ जाइए मेल है, क्योंकि अगर ता आता तो ये फीमेल होता। अल्लतीना, अल्लजीना, जो लोग, आमनू, ईमान लाए,
ये असल तो है आमना, आमना तो वही है जो बार बार आता रहता है, पास्ट है, माजी है और मेल है और सिंगुलर है, लेकिन जब आखिर में वाव आ गया तो यही वाव की वजह से ये प्लूरल बन गया। जैसे मिसाल के तौर पर पीछे बार बार आता रहता है बहुत सारे अल्फाज, उसी का हम जमा बना लेते हैं। जैसे खलका, खलका के माने उसने पैदा किया, और अगर वाव लगा दे खलकू उन सब ने पैदा किया, इस तरह हो जाएगा। तो आमना वो ईमान लाया और आमनु वो सब ईमान लाए, लेकिन ये पास्ट है, ये याद रखना। पास्ट में जमा बनाने का तरीका ये है, और प्रेजेंट में यानी मुजारे में नून भी आता है आखिर में, लेकिन पास्ट में नून नहीं आता, बस ये याद रखने की बात है। पास्ट में नून नहीं आता और प्रेजेंट में नून आता है। इल्लल्लज़ीन आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए। वामिलू, ये भी वही है, अमीला के माने अमल करना, तो सिंगुलर है और वाव लगा दे तो अमीलू उन लोगों ने अमल किया। अस्सालिहात, सालेह के माने हैं नेक, और अलिफ ता ये आती है प्लूरल बनाने के लिए। देखिए असल तो ये बात ये है, यहाँ पर हम आपको ग्रामर समझा दें कि साले तो बिल्कुल वही है जो आप, मैं बार बार कहता आता हूँ, जिसको डोर कहते हैं यानी मालिक ही उम्मीदीन। सबसे पहले जो लफ्ज़ हमारे यहाँ आता है मैं आमतौर पर उसी का तज़किरा करता हूँ ताकि उससे जहन मुंतकिल हो जाए। तो साले के माने हैं नेकी करने वाला, मिसाल के तौर पर सही रहने वाला। इसकी हमको बनाने हैं मोनस यानी फीमेल, तो फीमेल बनेगा इस तरीके से सालिहतुन, इसी वजह से सालिहा नाम भी होता है लड़कियों का, माने है नेक लड़की। लेकिन जब सालिहतुन की हम जमा बनाएंगे यानी सालिहतुन का प्लूरल बनाएंगे तो उसका तरीका ये होता है कि ता को यहाँ से हटा देते हैं और इसके बदले अलिफ और ता लगाते हैं, इससे वो प्लूरल बन जाता है। तो फीमेल के जमा और फीमेल के प्लूरल बनाने का तरीका ये है जो हमने आपके सामने रखा है। और जो साफिलीन में हमने बयान किया था वो मेल के बनाने का तरीका है। तो आपको कभी मुगालता लगे तो साफिल मेल था, उसके प्लूरल जमा बनाने का तरीका तो है कि या नून लगा दिया जाए या वाव नून लगा दिया जाए। लेकिन सालिह में ये भी जमा है, प्लूरल है, लेकिन ये असल में फीमेल की जमा है, और फीमेल की जमा बनाने का तरीका है कि ता हटाइए और आखिर में अलिफ ता लगा दीजिए। तो इसी वजह से तर्जमा करेंगे उन्होंने नेक अमल किए, यानी बहुत सारे नेक अमल किए, यानी इसीलिए कहते नेक अमल किया होगा। फलहुम, ये फा तरतीब के लिए है, तो मगर वो लोग जिन्होंने नेक अमल किए तो लहुम उनके लिए, यहाँ लाम का तर्जमा है लिए, और हुम ये प्रनाउन है, और ये प्रनाउन है जमा मुजक्कर गाइब यानी फर्स्ट पर्सन मेल्स प्लूरल के लिए, हाँ थर्ड पर्सन जी। और ये हुम लौट रहा है यानी इससे इशारा हो रहा है अल्लज़ीना की तरफ, हाँ वो लोग, और ख़ास और अल्लज़ी खाली तनहा अल्लज़ी की तरफ नहीं हो रहा बल्कि अल्लज़ी के साथ साथ जो ये आमनु आमिलु सालिहात आया इसकी तरफ पूरा इशारा है, यानी ईमान वाले और नेक अमल करने वालों के लिए। अजरुन, अजर है गैरु ममनून, गैर के माने नहीं, और ममनून के माने खत्म होने वाला। नहीं, ये ममनून प्लूरल नहीं है बल्कि ये तो सिंगुलर ही ऐसा है कि जो प्लूरल दिखता है। तो उनके लिए अजर है, अजर के माने होता है बदला, उनके लिए बदला है खत्म ना होने वाला। ये ना जो मैं तर्जमा कर रहा हूँ यह है गैर का तर्जमा, खत्म यहाँ बढ़ा देता हूँ, खत्म ना होने वाला। तो यकीनन जिन लोगों ने, जो लोग ईमान लाए, ईमान लाने का मतलब है यकीन किया, उन्होंने जिन लोगों ने यकीन किया ईमान लाए और नेक अमल किए यानी बहुत सारे अमल किए, तो उनके लिए बदला है गैर ममनून खत्म ना होने वाला। फमा, फमा का मतलब ये फा भी वही है जो पिछली बात पर
पिछली बात पर एतमाद करते हुए और पिछली बात पर टेक लगाकर यानी पिछली बात पर एक बात कहते हुए दूसरी बात कही जाती है। फमा तो मा ये है इस्तिफामिया, इस्तिफामिया मतलब यानी इससे क्वेश्चन होता है और इसका तर्जमा होता है क्या। फमा युकज्जिबु, युकज्जिबु के माने हैं झुटलाना। ये युकज्जिबु शुरू में याद है तो आपको मालूम हो गया प्रेजेंट है और फर्स्ट थर्ड पर्सन है, तो इसका हम तर्जमा करेंगे क्या झुटला रही है। क्या चीज, हम चीज का तर्जमा हम यहाँ सिर्फ वजाहत के लिए कर रहे हैं। क्या चीज झुटला रही है तुझको, इसी को तर्जमा यहाँ सही करने के लिए, क्या चीज तुझको झूठा बना रही है। तो जब कोई आदमी किसी को झुटलाएगा तो वो उसको झूठा ही तो बना रहा है। अगर मैं आपको कहूँ कि आप, मैं आपको झुटलाता हूँ तो मतलब यह होगा मैंने आपको झूठा बना दिया। इस वजह से हम यहाँ तर्जमा करेंगे सही तर्जमा होने के लिए, करने के लिए झूठा बनाना। क्या चीज बना रही है, क्या चीज झूठा बना रही है, ऐसा लग रहा है मुश्किल है तर्जमा। क्या चीज झूठा बना रही है का तुझको, यह प्रनाउन है और ऑब्जेक्ट है। क्या चीज झूठा बना रही है का तुझको, बादू बल्कि इसको छोड़िए भी एक मिनट। क्या चीज झूठा बना रही है तुझको, बा के माने वही सिले वाला बा है और दीन के माने बदला जो बार बार आता है, आता रहता है। मालिक ये उम्मीद दीन में भी आया था। क्या चीज झूठा, क्या चीज झूठा बना रही है तुझको, बदले का यानी बदले का जोड़ है झूठे से। यहाँ अगर आप यहाँ लिख दो शायद अच्छा समझ में आए। क्या चीज तुझको बदले का झूठा बना रही है यानी कयामत में बदला मिलने वाला है, तू उसको झुटलाता रहता है यानी काफिर झुटलाता रहता है। तो हालांकि अल्लाह ताला ने ये सब अपनी कुदरत के नमूने दिखलाए और तुझको बेहतरीन अंदाज में पैदा किया, फिर भी तू कयामत को झुटलाता रहता है, मतलब तो यह है। तो क्या चीज झूठा बना रही है बदले का, क्या चीज बदले का झूठा बना रही है तुझको। ये मैं बिद्दीन का तर्जमा मैंने पहले कर दिया ताकि तर्जमा आसान हो जाए। बादू, बादू का मतलब है इसके बाद, किसके बाद, इसके बाद बस यही करते रहो, इसके बाद किसके बाद, इसके बाद का मतलब यानी जो पीछे बयान कर चुके कि देखा हमने तुझे कितने अच्छे अंदाज में पैदा किया, लेकिन फिर हम तुझको ऐसा भी है इसका कि सबसे नीचे वाली हालत में भी पहुंचा सकते हैं, ऐसा नहीं है। और जो नेक अमल करेंगे और ईमान लाएंगे उन्हीं को अच्छा बदला देंगे। तो ये सब बातें तो बयान कर दी, इसके बाद भी क्या चीज तुझको कयामत क्या झूठा बना रही है। ये